दोस्तों, रीतिकाल पर अब तक हम लोगों ने देखा कि रीति शब्द का क्या अर्थ है। रीतिकालीन कविता किस प्रकार एक विशेष पद्धति की कविता है। रीतिकाल और भक्तिकाल में अंतर क्या है, और रीतिकाल के उद्भव की क्या पृष्ठभूमि रही है। रीतिकालीन सामंती दरबारी कविता के पीछे कौन से ऐतिहासिक सामाजिक कारण जिम्मेदार थे। हम लोगों ने इन मुद्दों को देखा। दोस्तों, आइए अब अगले मुद्दों को देखें। रीतिकाल के रचनाकारों को तीन वर्गों में बांटा गया। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, और यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना कि रीतिकाल के रचनाकारों को, कवियों को तीन वर्गों में बांट कर देखा जा सकता है। रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अंतर भी पूछा जाता है। दोस्तों, इस वर्गीकरण का या इस इन तीन भेदों का जो आधार था वो था रीति निरूपण। और रीति निरूपण किसे कहा गया, इसे जानने के लिए एक दो छोटी बातों को जानना आवश्यक है। यह माना गया कि रीति निरूपण लक्षण, व्याख्या और उदाहरण, इन तीनों को मिला करके नाम दिया गया। लक्षण या लक्षण ग्रंथ काव्यांग की परिभाषा को कहती है। और काव्यांग का अर्थ काव्य का अंग या कविता के तत्व से है। तो जब हम कविता के अंगों की बात करते हैं तो यह समझा जा सकता है कि रस, छंद, अलंकार, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सबको मिलाकर के काव्यांग कहते हैं, यानी काव्य के तत्व, कविता के अंग। दोस्तों, किसी काव्यांग की परिभाषा, जैसे मान लीजिए रस की परिभाषा यदि दी जाए तो इस प्रक्रिया को लक्षण कहेंगे या लक्षण ग्रंथ की रचना कहेंगे। काव्यांग की परिभाषा जिन आचार्यों ने, जिन रीतिकालीन रचनाकारों या आचार्यों ने देने की कोशिश की तो उन्होंने समझिए लक्षण ग्रंथ को रचा। भाई, किसी काव्यांग की परिभाषा दे दी गई, उसके पश्चात उसकी व्याख्या की गई। जैसे रस की परिभाषा दी गई तो रस की व्याख्या भी तो करेंगे। जैसे मान लीजिए नायिका भेद की परिभाषा दी गई, अलंकार की परिभाषा दी गई। आचार्य केशव अलंकार की परिभाषा में लिखते हैं कि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रीत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत। तो दोस्तों, या नायिकाओं की परिभाषा दी गई, ताते कामिनी एकै कहन सुनन को भेद, राचे पागे प्रेम रस मेटे मन के खेद। तो रीति निरूपण का अर्थ लक्षण ग्रंथ यानी लक्षण, व्याख्या और उदाहरण, इन तीनों की मिलीजुली परिपाटी है। लक्षण या लक्षण ग्रंथ कहते हैं किसी काव्यांग की परिभाषा को। जो रचनाकार काव्यांग की परिभाषा दे रहे थे, लक्षण ग्रंथ रच रहे थे, फिर उनकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे
और उनके लिए उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे थे। तो जिन रीतिकालीन रचनाकारों की रचनाओं में, कविताओं में काव्यांग की परिभाषा अर्थात लक्षण, साथ ही कविता में लक्षण की व्याख्या भी प्रस्तुत की गई हो, परिभाषा उसकी व्याख्या और उसके अनुरूप ही कविता में उदाहरण प्रस्तुत किया गया हो, तो इस बंधी बंधाई परिपाटी को ही जो लोग अनुसरण कर रहे थे या जो रचनाकार इसका निर्वाह कर रहे थे वो रीतिबद्ध रचनाकार कहलाए, जैसे केशव, जैसे मतिराम, जैसे चिंतामणि नाम सुना होगा, जैसे भूषण, ये सभी जो रीतिकालीन, जैसे देव, आचार्य देवदत्त देव, ये सभी रीतिबद्ध रचनाकार थे, यानी जो काव्यांग की परिभाषा का अनिवार्य रूप से अपनी रचनाओं में निर्वाह करते थे, जो इस परिभाषा के अनुरूप व्याख्या प्रस्तुत करते थे, साथ ही जो उदाहरण भी देते थे, अर्थात रीति निरूपण से जो पूरी तरह बंधे थे, उन्हें ही रीतिबद्ध रचनाकार कहा गया। केशव, भूषण, मतिराम, चिंतामणि, नाम सुना होगा, आचार्य देवदत्त देव, सेनापति, ये सभी रीतिबद्ध रचनाकार थे। दोस्तों, दूसरी धारा थी रीति सिद्ध धारा, जो रीति निरूपण में सिद्धि हासिल किए हुए थे, यानी जो बहुत अच्छी तरह जानते थे, जो सिद्धस्थ थे, जो पारंगत थे कि काव्यांग कहते किसे हैं, काव्यांग की परिभाषा की भी बहुत अच्छी समझ थी, उसके लिए उदाहरण और व्याख्या कैसे प्रस्तुत करें इसकी भी एक व्यापक समझ थी, यानी ये मूर्धन्य तो थे, सिद्धस्थ तो थे, जानकार तो थे, जानते बहुत अच्छी तरह थे कि रीति निरूपण किसे कहते हैं, फिर भी ना तो अपनी रचनाओं में काव्यांग की परिभाषा दे रहे थे, ना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, ना व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे, सिर्फ मौलिक कविता लिख रहे थे, यानी रीति निरूपण को पचाने के बाद भी, समझने के बाद भी इससे बंधे नहीं थे, इसमें सिद्धि तो हासिल थी लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं रच रहे थे, काव्यांग की परिभाषा नहीं दे रहे थे, सिर्फ मौलिक ग्रंथों की रचना कर रहे थे, इसीलिए ये लक्ष्य ग्रंथ लिख रहे थे, ये लक्षण ग्रंथ लिख रहे थे, जानते थे लेकिन बंधे नहीं थे। इस अंतर को समझने के लिए माँ और पिताजी का अंतर आप जानिए। माँ हर रोज रसोई घर से बंधी होती है, खाना बनाना भी उसको आता है, जानती है बहुत बढ़िया से और बनाती भी है, किचन से बंधी है तो रीतिबद्ध। पिताजी खाना बनाना बहुत अच्छी तरह जानते, एकदम सिद्धि हासिल है, लेकिन किचन से बंधे नहीं है। कभी ज़रूरत पड़े तो देखिएगा कि बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। ऐसे भी बहुत अच्छे रसोई मर्द ही होते हैं, ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। तो रीति सिद्ध का अर्थ जो जानकार थे, जो पारंगत थे, जो सिद्ध हस्त थे रीति निरूपण में, फिर भी प्रयोग नहीं करते थे, ये सिर्फ मौलिक कविता यानी ये लक्ष्य ग्रंथ, इनका उद्देश्य अपनी मौलिक रचनाओं का प्रस्तुतीकरण था, जबकि इनका उद्देश्य काव्यांगों की परिभाषा यानी लक्षण ग्रंथों का प्रस्तुतीकरण था। रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र बिहारी चर्चित हुए। दोस्तों, रीति मुक्त धारा को ही रीति स्वच्छंद धारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये ना तो रीति निरूपण को जानते थे और ना ही अपनी रचनाओं में इसका प्रयोग करते थे, अर्थात ना इन्हें रीति निरूपण की परंपरा आती थी, न
ना ये लक्षण ग्रंथ या काव्यांग की परिभाषा देते थे, ना उस परिभाषा के लिए व्याख्या और उदाहरण प्रस्तुत करते थे। ये सिर्फ विरह वियोग परक लोक चेतना लोक संवेदना पर या अपनी मौलिक अनुभूतियों पर कविता लिखते थे। इसीलिए इन्हें रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद, ये बहुत अच्छी तरह जानते थे, उसका प्रयोग करते थे रीतिबद्ध। ये उससे भी अच्छी तरह, रीतिबद्ध धारा से भी अच्छी तरह जानते थे रीति निरूपण को, सिद्धस्थ थे किंतु प्रयोग नहीं करते थे। ये ना तो जानते थे ना प्रयोग करते थे। इस धारा में दोस्तों घनानन, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव जैसे रचनाकारों की चर्चा की जाती है। यानी रीतिबद्ध धारा के कवियों में यदि देखें तो केशव, भूषण, मतिराम, सेनापति, देव ये रचनाकार आते थे, जबकि रीति सिद्ध एकमात्र बिहारी थे और रीति मुक्त घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। दोस्तों अंतर पूछा जाता है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त का अंतर स्पष्ट करें, तो एक तो अंतर यह हुआ। एक अंतर आता है कि रीतिबद्ध सिद्ध और रीति मुक्त कवियों का अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध रचनाकार थे, पहले यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो इत्मीनान कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब यदि इनका अंतर पूछा जाए कि रीतिबद्ध सिद्ध और रीति मुक्त कवियों का अंतर स्पष्ट करें, तो कुछ खास चीजें हैं दोस्तों जिनको आपको जेहन में रखना होगा। याद रखिए ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ये प्रश्न बड़ा ही चर्चित है और क्वेश्चन सेटर्स की नज़र इस पर रहती है, ना भी रहे तो आप विशेषता लिखते समय इन बातों का प्रयोग करेंगे ही। दोस्तों रीति मुक्त वर्सेस रीतिबद्ध और सिद्ध कवि, यह याद रखा जाए कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि ये पूरी तरह दरबारी थे, क्योंकि दरबारों में रहकर ही इनकी कविता दरबारी आश्रय में फल फूल रही थी। इन्होंने सामंती प्रयोजनों के अनुरूप ही अपनी कविता लिखी, दरबारी सरोकारों को ध्यान में रखकर ही इनकी कविता फल फूल रही थी। जबकि रीति मुक्त धारा के रचनाकार गैर दरबारी थे। रीतिबद्ध और सिद्ध कवियों के विषय में कहा गया कि भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, यानी शासक और कवि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जबकि रीति मुक्त कवियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इन्हें दरबार से कोई लेना देना नहीं था। ये कहा करते थे, ठाकुर सेवक हम उन रजपूतन के, जो दान युद्ध जुरीबे में नेकू न मुरख के, या फिर होए मगरूर तासों दूनी मगरूरी कीजे, लघु वै चले वासों लघुता निभाहिए, जो आपको चाहे वाको आप चाहिए, जो आपको न सराहे वाको बाप को न सराहिए। इनका जो भाव था वो पूरी तरह अखड़ था, ये गैर दरबारी थे, ये जन संवेदनाओं को ध्यान में लिखा करते थे, इसलिए इनकी जो कविता थी वह दरबार से कटी हुई थी। दोस्तों रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने अपनी कविता में अभिव्यक्ति पक्ष को महत्व दिया, यानी देखा जाए तो इनकी कविता सजावट की वस्तु थी, इनकी कविता अलंकारों से सजी संवरी थी, इनकी कविता काव्य शास्त्रीय थी। इसीलिए
केशवदास जी लिखते हैं कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मीत, यानी बिना आभूषण के, बिना अलंकार के ना तो सुंदर स्त्री ना कविता और ना ही मित्र, ये तीनों चीजें शोभा नहीं देती। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रित, बेशक अच्छी जाति की हों, अच्छे वर्णों की हों, अच्छे लय तुक छंद में हों, उनकी काया सुदृढ़ हो, फिर भी अच्छे लक्षणों की हों, फिर भी यदि आभूषण नहीं है तो स्त्री सुंदर नहीं लग सकती। आभूषण यानी अलंकार नहीं है तो कविता सुंदर नहीं लग सकती, और मित्र भी यदि निर्धन है तो काहे का सुंदर। जबकि जो रीति मुक्त कवि थे, इनकी कविता पूरी तरह अनुभूति पर आधारित थी। इसलिए घनानंद ने इस बात को स्पष्ट किया कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरो कवित बनावत। कि भाई लोग कविता बनाने में लगे लेकिन मेरी कविता तो मुझे ही बना जाती है। इसका अर्थ, इनकी कविता पूरी तरह अनुभूति प्रधान थी। वह मानो कवि की ही रचना कर रही हो, ना कि कवि कविता की रचना करने में सक्षम है, क्योंकि कविता तो आत्मा की उपज है। कविता तो हृदय से लहलहाती हुई फसल है जो वास्तव में व्यक्तित्व का सृजन करती है। कोई व्यक्ति भला क्या कविता को गढ़ेगा, इसलिए इनकी कविता मनुष्य का निर्माण करती है। उसमें रस छंद अलंकार को भला कोई क्या गढ़ सकता है। जबकि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने शासकों को, सामंतों को खुश करने के लिए दरबारों में एक प्रकार से सौंदर्य की वस्तु के रूप में कविता को परोसा, इसलिए इनकी जो कविता है वह सौंदर्य धर्मी है, अलंकारों से सजी संवरी है, मानो दरबारों की अभिसारिका नायिका है जो सज संवर कर किसी के लिए प्रस्तुत है। दोस्तों, जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि थे, इन्होंने संयोग पक्ष को अधिक उद्घाटित किया। इसीलिए जो इनका प्रेम संबंधी दृष्टिकोण है वह स्थूल है, वह मांसल है, देखा जाए तो कुछ हद तक वासनात्मक है। यानी ये सरोवरों में स्नान करने वाली सुंदर स्त्रियों की जो अर्धनग्न काया है, उसी के सौंदर्य चित्रण में मानो अपनी पूरी प्रतिभा को व्यय कर रहे थे। जैसे मानो इनकी लेखनी, इनकी कलम जो है वह नायिका भेद तक ही टिकी हो, नायिकाओं के अंगों उपांगों के चित्रण तक ही टिकी हुई हो। मानो इनकी लेखनी की परिधि शरीर का स्थूल मांसल हिस्सा हो। दूसरी तरफ जो रीति मुक्त कवि थे, वो हर हाल में वियोग चित्रण कर रहे थे, इसलिए ये प्रेम के पीर के रचनाकार कहलाए। कैसे रचनाकार कहलाए? इन्होंने मानो अपने टूटे हुए दिल को ही कविता का विषय बनाया। आलोचकों ने माना कि जितने भी रीति मुक्त कवि थे, घनानंद हो, आलम हो, ये सब प्रेम में कहीं ना कहीं चोट खाए हुए थे। इसलिए घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान के भावों को कविता में उतारते हैं। लिखते हैं कि परजन्य जथारथ वै दरसु, कब हूँ अभिमासी सुजान के आंगन मोर सुआन ले बरसु। पर काज ही देह के धारो फिरो, अरे तुम दूसरे के लिए देह धारण करते हो, ऐ बादलों कभी मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में बरसो। तो पर काज ही देह के धारे फिरो, परजन्य जथारथ वै दरसो, कब हूँ वा सुजान के आंगन मोर सुआन ले बरसो। मेरे आंसुओं को लेकर के वहीं बरसो ऐ बादलों।
ये वियोग। ऐसे ही जो आलम थे वो एक शेखर अंग्रेजन मुसलमान महिला के प्रेम में पड़कर ब्राह्मण थे और अपना धर्मांतरण कर दिए, स्वयं आलम हो गए। उनकी भी जो कविता है वह शेख की मोहब्बत में ही लिखी गई। आप देखेंगे कि उसमें पीड़ा है, विरह है, वियोग है। जैसे आलम की कविता कि कनक छरी सी कामिनी काहे की कटी छीन, कटी के कंचन काट विधि कूचन मध्य धरी दीन। सबसे चर्चित उनका यह पद माना गया। तो दोस्तों, प्रेम का संयोग पक्ष रीतिबद्ध और सिद्ध कवियों ने अधिक उद्घाटित किया, प्रेम का जो वियोग पक्ष है वो रीति मुक्त कवियों ने उद्घाटित किया। यह माना गया कि रीतिबद्ध और सिद्ध कवियों ने प्रेम को सिर्फ कविता का स्थूल विषय माना। इनके लिए जो प्रेम है, आचार्य शुक्ल के शब्दों में, बिहारी जैसे कवियों का प्रेम धूर्तता और छल पर आधारित है। एक प्रकार से वह चौगान का खेल है, जहां नायक और नायिका दोनों इस फिराक में हैं कि कब अवसर पाकर एक दूसरे को धर दबोचें। इसीलिए जो रीतिबद्ध और सिद्ध कविता का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण है वह पूरी तरह वायवीय है, या यूं कहें स्थूल है, यूं कहें कि एक प्रकार से चतुराई पर, छल पर, काइयापन पर आधारित है। कविताओं को अगर देखेंगे कि नायिका भी कम चतुर नहीं है और नायक भी कम चतुर नहीं है। नायिका नायक को अपने एक एक अंग दिखा देती है, देखियो अनदेखियो कियो अंग अंग सबे दिखाए। नायिका अनजान बनती हुई नायक को अपने एक एक अंग दिखा देती, बिहारी की नायिका, और फिर नायक को यह एहसास कराती है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था। बैठती तन में सकुची बैठी चिते लजाए। वैसे ही नायक भी है छली, वह नायिका की गोद में बच्चा है, उसे अपनी गोद में लेने के लिए कुछ इस प्रकार नाटकीय अंदाज से हाथों को बढ़ाता है कि उंगलियों से नायिका की छाती छू लेता है। लड़िका लेबे के मिसनी लंगर मोढ़िंग आए, गयो अचानक आंगुरी छाती छैल छुआए। इसलिए इन धाराओं की जो कविता है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, मानो ये कविताएं छल से ही भरी हुई हैं। इनका काम ही सिर्फ रति सुख का आनंद लेना है, इसलिए मानो रीतिबद्ध रीति सिद्ध कविता धारा अपने आप में स्थूल है, मांसल है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अश्लीलता और फूहड़ता के निकट है। लेकिन जो रीति मुक्त कवि थे, इन्होंने प्रेम के वियोग पक्ष को उद्घाटित किया। इनके प्रेम में धूर्तता और छल नहीं है, यह प्रेम रीतिमुक्त धारा का प्रेम तो दोस्तों सादगी पर आधारित है, त्याग पर आधारित है, समर्पण पर आधारित है। इसीलिए घनानंद जैसे कवियों ने यह कहा कि यह जो प्रेम है वह लेन देन का नाम नहीं है, यह प्रेम जो है अपना सर्वस्व कुर्बान करने का नाम है। कहा इन्होंने, तुम कौन धौपाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पै दे हूँ छटाक नहीं। इन्होंने लिखा कि भाई मेरा तो पूरा मन ले लिए, 40 किलो ले लिया, और अपना छटाक 50 मिलीग्राम, अपनी एक छटा भी नहीं दिखाते। इसलिए अति सूधो स्नेह को मारग है, इनका प्रेम कैसा है, सीधा है, सादगी पर आधारित। जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, जहाँ सयानापन नहीं है, जहाँ छल नहीं है, जहाँ चतुराई नहीं, तो अति सूधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, ये मानते थे। अब आप समझ सकते हैं कि स्नेह यानी प्रेम, स्नेह का मार्ग कैसा होना चाहिए। इसलिए इनका जो प्रेम है दोधारी तलवार है, यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनु है। आज का गीत भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, हालांकि आज के गीत कहाँ इनसे मुकाबला करेंगे, ये इश्क दोधारी तलवार यार। लेकिन ये लिखते हैं, यह प्रेम का पंथ कराल महा, प्रेम का पंथ इतना सीधा नहीं,
प्रेम का पंथ धूर्तता छल पर नहीं अपना सर्वस्व देकर ही प्रेम को पाया जा सकता है। प्रेम में अपने को खोकर अपने को डुबाकर अपने को पाना ही प्रेम की वास्तविक अभिव्यक्ति है। जैसे इनकी कविता इन कवियों का व्यक्तित्व सृजन करती है, उसी प्रकार इनका प्रेम संबंधी दृष्टिकोण मानवता का सृजन करता है। तो इस प्रेम में त्याग जरूरी है। यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। आप समझ सकते हैं कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों का अंतर क्या रहा है। यदि शॉर्ट में कहें तो रीतिबद्ध सिद्ध दरबारी, ये गैर दरबारी। दूसरी बात, इन्होंने कविता में अभिव्यक्ति और कला को महत्व दिया, जबकि रीति मुक्त कवियों ने अपनी अनुभूतियों को महत्व दिया, कला की जगह संवेदनाओं को महत्व दिया। इनकी कविता हृदय की उष्मा से निकलती है, जीवनानुभूतियों का चित्रण करती है। इनका जो श्रृंगार चित्रण है वो पूरी तरह संयोग पर आधारित, किनका, रीतिबद्ध और सिद्ध का, जबकि रीति मुक्त कवियों का जो श्रृंगार चित्रण है वह वियोग मूलक है। इसमें प्रेम की पीड़ा है, इसमें पीर है, इसमें कहीं ना कहीं चोट है, कसोट है, हृदय मानो टूटा हुआ है, इसलिए दर्द की कविता लिख रहे थे। और बात करें तो रीतिबद्ध और सिद्ध कवियों ने जो प्रेम संबंधी दृष्टिकोण बनाया था वह छल पर आधारित, चौगान का खेल, धूर्तता पर आधारित है। कहीं ना कहीं नायक और नायिका दोनों एक दूसरे पर घात लगाए बैठे हुए हैं, जबकि रीति मुक्त कवियों का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण त्याग और समर्पण मूलक है। तो कितनी बात समझ में आई दोस्तों? आइए अब देखने की कोशिश करें हम लोग रीतिकाल की विशेषताओं को।